नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इनके क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें और घरेलू उपाय। नंबर एक, सुबह उठकर हरी घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग को ठंडक मिलती है। नंबर दो, अगर आवाज बैठ जाए तो लौंग का दाना चूसे, आवाज जल्दी ही खुल जाएगी। नंबर तीन, अगर गले में खराश हो रही हो तो चॉकलेट खाएं, इससे खराश में आराम मिलता है। नंबर चार, चेहरे की चमक लाने के लिए आप पानी ज्यादा पिए, इससे आपके चेहरे की स्किन भी साफ हो जाएगी। नंबर पाँच, सर्दी जुकाम ना छोड़ रहा हो तो एक मुट्ठी भुने हुए चने रोजाना खाएं। नंबर छह, हल्दी हड्डियों की तकलीफ में बहुत मददगार होती है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से जोड़ मजबूत होते हैं और सूजन कम करने और जख्म भरने में मदद मिलती है। नंबर सात, अगर मुंह पक जाए या मुंह में छाले निकल आए तो एक दो दिन सूखी धनिया चूसते रहें, इससे आराम मिलेगा। नंबर आठ, रोजाना छोटी इलायची का सेवन करने से दिल के दर्द में राहत मिलती है। नंबर नौ, मछली के साथ यह चीज ना खाएं, दही, छाछ, आइसक्रीम, बर्फ, तरबूज, मूली, तिल, खीर और दूध वगैरह। नंबर दस, सर्दी की खांसी में चॉकलेट खांसी की सिरप की तरह असर करती है, इसलिए सर्दी की खांसी में चॉकलेट खाया करें। नंबर ग्यारह, आपको सोने से पहले अपने हाथों पैरों पर जैतून के तेल से मालिश करें, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। नंबर बारह, खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें तो आपको बदहजमी नहीं होगी। नंबर तेरह, अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो रोजाना फालसे का सेवन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर चौदह, मेथी और पालक का सेवन जरूर करें, यह दोनों ही शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। नंबर पंद्रह, अगर आप हमेशा के लिए जुओं से बचना चाहते हो तो नीम की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लें और इस रस को बालों में अच्छी तरह से लगाकर रखें तो जुए मर जाती हैं। नंबर सोलह, जो लोग 8 घंटे से कम नींद लेते हैं वह लोग ज्यादातर बेचैनी और डिप्रेशन में रहते हैं। नंबर सत्रह, 1 गिलास दूध में 2-3 खजूर, 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसको गर्म कर लें और फिर ठंडा करके पिएं, इससे शरीर की कमजोरी और खून की कमी दूर हो जाएगी। नंबर 18, अगर आप मैदे की तकलीफ से बचना चाहते हो तो खाना खाते समय पानी ना पिए। नंबर 19, रोजाना सुबह थोड़ी सी शहद का सेवन करने से शरीर की कई बीमारियां कम हो जाती हैं। नंबर 20, अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाकर घोल बनाकर पिए, इससे आपको आराम मिलेगा। नंबर 21, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए रोजाना अपने चेहरे पर दही को मले, इससे आपका चेहरा चमक जाएगा। नंबर 22, रोजाना सुरमा लगाने से आंखों की रोशनी तेज होने लगती है। नंबर 23, अगर पेट में गैस हो या कब्ज की दिक्कत हो तो रोजाना निहार मुंह नींबू का पानी पिए, इससे पेट का भारीपन दूर होगा और गैस की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। नंबर 24, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो तो बादाम का सेवन करें, इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। नंबर 25, चेहरे की झाइयां और दाग धब्बे दूर करने हो और दांतों को पीलापन से बचाना हो तो नींबू का रस लगाने से दांत साफ हो जाते हैं। नंबर 26, खीरे का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है, रोजाना खीरे का सेवन करने से वजन नहीं बढ़ता है। नंबर 27, उन लोगों को गुर्दे की समस्या ज्यादा होती है जो लोग सोने से पहले पेशाब करके नहीं सोते हैं। नंबर 28, अगर अपने बाल समय से पहले सफेद होने से बचाने हैं तो रात को सोने से पहले कुछ बूंदे बादाम रोगन की दूध में मिलाकर पिएं, ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बाल सफेद होना रुक जाएगा। नंबर 29, नीम का जूस पीने से शरीर का खून साफ रहता है और शरीर में होने वाले संक्रमणों से छुटकारा मिलता है। नीम का जूस
डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। इसके सेवन से हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। नंबर 30, अगर अचानक बहुत ज्यादा बुखार हो जाए तो कद्दू के टुकड़े काटकर उसे माथे पर मसाज करें, इससे बुखार कम हो जाएगा। नंबर 31, अगर आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती हो तो रोजाना दूध का सेवन करें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। नंबर 32, पेट भर के खाना खाने की आदत हाजमे को बिगाड़ती है। नंबर 33, आप जमीन पर जब भी बैठें बिना टेक के बैठें, इससे मसल्स मजबूत होते हैं। नंबर 34, सेब का सिरका बालों को बढ़ाने में मदद करता है, इसे अपने बालों की जड़ों से सर तक लगाएं, यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है और स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखता है। नंबर 35, अगर आपके जोड़ों में दर्द हो तो हल्दी का लेप लगाकर गर्म कपड़े की पट्टी बांधने से दर्द में आराम मिल जाता है। नंबर 36, एक छोटा सा टुकड़ा अनार के छिलके का अच्छी तरह से सेक कर चबाएं, इससे खांसी और एलर्जी में राहत मिलती है। नंबर 37, रात को सोने से पहले दूध की मलाई अपने चेहरे पर लगाएं, इससे झाइयां दूर हो जाएंगी। नंबर 38, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, इससे खाना जल्दी हजम हो जाएगा। नंबर 39, अंजीर में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कब्ज की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा अंजीर में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है। नंबर 40, अगर आपकी स्किन रूखी और सांवली पड़ने लगे तो रोजाना रात को सोने से पहले अपनी स्किन पर कच्चा दूध लगाएं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। नंबर 41, एक चम्मच एलोवेरा खाने से बहुत ही फायदा होता है और इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। एलोवेरा शरीर में मौजूद गंदगी को साफ कर सकता है, साथ ही डाइजेशन में भी सुधार लाता है। नंबर 42, उल्टा सोने से सांस लेने में दिक्कत होती है और रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज करें। नंबर 43, अगर जुकाम की वजह से नाक ना खुल रहा हो तो अजवाइन को हल्का गर्म करके नाक के पास लगाकर सूंघें, इससे आपकी नाक खुल जाएगी। नंबर 44, अगर काम करने के बाद थकावट महसूस होने लगे तो एक दो पुदीने के पत्ते चबा लें। नंबर 45, अगर आप रोज खीरा खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइट में खीरा शामिल करने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करके पेट साफ रखने में मदद करता है। नंबर 46, हमेशा तरबूज खाने से पहले पानी पिए, बाद में पानी पीने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। नंबर 47, अगर आपका शरीर हर समय ठंडा रहे तो जान लें आपको खून की कमी है। नंबर 48, अगर अपने वजन को कम करना चाहते हो तो तीन चीज जितनी हो सके जरूर खाएं, नींबू, खीरा और बंदा गोभी। नंबर 49, जिन लोगों को खून की कमी हो उन्हें अनार और चुकंदर का जूस पीना चाहिए। नंबर 50, जिन लोगों को खारिश की दिक्कत रहती हो तो बादाम का तेल लगाकर सो जाए, इससे खारिश में आराम मिलता है। नंबर 51, प्याज का सेवन करने से दिल की बीमारी का खतरा कम रहता है। नंबर 52, लहसुन और नमक दोनों को मिक्स करके अपने दांतों पर मलें, इससे दांत साफ हो जाएंगे। नंबर 53, रात को चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 54, अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं तो चावल के पानी से बालों को धोएं, इससे बाल गिरने बंद हो जाते हैं। नंबर 55, कड़वी चीजों के सेवन से सेहत अच्छी रहती है और ज्यादा मीठी चीज खाने से
इंसान बहुत ही जल्दी बीमार पड़ने लगता है। नंबर 56, मीठी और गर्म चीज खाने के बाद पानी पीना दांतों को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 57, रोजाना एक ग्लास गन्ने का जूस पीना चाहिए। इस गन्ने का जूस हाजमे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 58, अगर पेट की दिक्कत रहती हो तो सफेद आटे की बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करें। नंबर 59, कमर दर्द की दिक्कत हो तो नहाने से कुछ देर पहले सरसों के तेल से कमर की मालिश करें और फिर गुनगुने पानी से नहाएं। इससे आपको बैक पेन से काफी आराम मिलेगा। नंबर 60, अगर हाथ पैर सुन्न हो जाने की दिक्कत हो तो एक चम्मच शहद और आधे नींबू का रस एक ग्लास पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक पीना चाहिए। इससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 61, रोजाना अपने हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवे पर तेल लगाकर सोने से पूरे दिन की थकावट दूर होती है और नींद भी अच्छी आती है। नंबर 62, नारियल के तेल में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने होठों पर लगाएं। इससे होठों का कालापन दूर होगा और आपके होठ मुलायम और सुंदर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।